नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑटोमेटिक प्रोसेसर। आज हम ऑटोमेटिक प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। एक्सरे फिल्म ऑटोमेटिक प्रोसेसर इज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रोलर्स विच ट्रांसपोर्ट द फिल्म थ्रू डेवलपर फिक्सर वॉशिंग एंड ड्राइंग सेक्शन ऑफ द प्रोसेसर। देखिए, ऑटोमेटिक प्रोसेसर हैव डिफरेंट सीरीज ऑफ रोलर्स जो फिल्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन डिफरेंट सेक्शन लाइक डेवलपर फिक्सर वॉशिंग एंड ड्राइंग सेक्शन। आपको समझाने के लिए मैंने ऑटोमेटिक प्रोसेसर का डायग्राम बनाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। जिस एरिया में आप फिल्म को फीड करते हैं उसको हम फीडिंग ट्रे बोलते हैं, और जैसे ही आप फिल्म को फीड करते हैं इट केम इन कॉन्टैक्ट विद अ इंट्रेंस रोलर जिसमें एक माइक्रो स्विच लगा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं लाइक रिप्लेनिशमेंट सिस्टम, ड्राइव सिस्टम एंड द ड्रायर सिस्टम, जो फिल्म की सरफेस से वाटर को रिमूव करता है। इंट्रेंस रोलर से गुजरने के बाद फिल्म डिफरेंट सेक्शन में जाती है। सबसे पहले ये डेवलपर में जाती है जहाँ पे फिल्म डेवलप होती है, देन इट गोज़ इनटू फिक्सर जहाँ पे इमेज फिक्स होती है और अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल जो होते हैं वो रिमूव होते हैं। देन इट गोज़ इनटू वॉशर या वॉशिंग टैंक जहाँ पे फिल्म वॉश होती है। देन इट गोज़ इनटू ड्रायर जहाँ पे फिल्म ड्राई होकर बाहर निकलती है। हर टैंक के अपने अपने ट्रांसपोर्ट रैक होते हैं जो डिफरेंट रोलर के बने होते हैं। जो आप ये रोलर डायग्राम में देख रहे हैं इनको हम ट्रांसपोर्ट रोलर कहते हैं। फिल्म इंट्रेंस रोलर से ट्रांसपोर्ट रोलर की मदद से टर्नओवर असेंबली तक पहुँचती है। टर्नओवर असेंबली फिल्म को टर्न करती है अपर डायरेक्शन में और फिल्म को क्रॉसओवर असेंबली तक लेके जाती है, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये फिल्म को एक टैंक से दूसरे टैंक में मूव करती है। यहाँ स्क्वीजिंग रोलर भी होते हैं जो फिल्म की सरफेस से एक्सेसिव केमिकल को रिमूव करते हैं। दैन द सेम प्रोसेस रिपीटेड हेयर एंड द फिल्म फ्रॉम फिक्सर गोज़ इनटू वॉशिंग टैंक एंड फ्रॉम वॉशिंग टैंक द फिल्म गोज़ इनटू अ ड्रायर सेक्शन जहाँ पे फिल्म ड्राई होकर रिसीविंग पिन से बाहर निकल जाती है। ऑटोमेटिक प्रोसेसर की हिस्ट्री को देखें तो 1942 में फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑटोमेटिक प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जो कमर्शियली अवेलेबल मॉडल था वो फिल्म को प्रोसेस करने में 40 मिनट्स लेता था। 1956 के अंदर पहला रोलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था जो फिल्म को प्रोसेस करने में मात्र 6 मिनट लेता था। एंड इन 1965 92nd रैपिड ऑटोमेटिक प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। In 1987, there is lot of advancement in term of new emulsion and increased development temperature, जिसकी वजह से जो processing cycle थी वो 45 सेकेंड की हो गई। लेकिन इस तरह के processor को इस्तेमाल करने के लिए हमें special फिल्म का प्रयोग करना पड़ता था। 1990 तक ये processing cycle 30 सेकेंड की हो गई, लेकिन इस तरह के automatic processor को इस्तेमाल करने के लिए भी हमको स्पेशल फिल्म का प्रयोग करना पड़ता था। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर इज कंसिस्ट ऑफ फिल्म फीडिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिप्लेनिशमेंट सिस्टम, रीसर्कुलेशन सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ड्रायर सिस्टम एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फिल्म फीडिंग सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ फीडिंग ट्रे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेसर का वो हिस्सा होता है जहाँ पे आप फिल्म को फीड करते हैं। जैसे ही आप फिल्म को फीड करते हैं तो कुछ साइकिल ऑफ इवेंट एक्टिवेट हो जाते हैं लाइक रिप्लेनिशमेंट सिस्टम जो बेसिकली फ्रेश डेवलपर और फिक्सर को सर्कुलेट करता है, ड्राई मोटर जो रोलर को मूव करता है, ड्रायर हीटर जो फिल्म को ड्राई करता है एंड वॉश वाटर फ्लो रेट इज़ बूस्टेड जिससे वॉश टैंक के अंदर फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। एंड आल्सो फिल्म सिग्नल डिले टाइमर इज़ आल्सो एक्टिवेटेड। देखिए, इसका मतलब होता है जब फिल्म कम्प्लीटली डेवलपर में चली जाती है तो हमको एक बीप साउंड सुनाई पड़ता है जो इंडिकेट करता है कि आप नेक्स्ट एक्सपोज फिल्म को फीड कर सकते हैं या लाइट को ऑन कर सकते हैं। लेकिन लाइट को ऑन करने से पहले आपको 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहला, जो फीडिंग ट्रे का अपर कवर है उसे क्लोज़ करना है, और इस बात का भी ध्यान रखना है जो लोडेड कैसेट है वो कम्प्लीटली बंद होनी चाहिए, और जो अनएक्सपोज फिल्म का पैकेट है उसको भी आपको बंद करना है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो वी हैव ट्रांसपोर्ट रैक. It is found inside the tank and function to move the film through the tank. Transport rack basically film को move करते हैं in different section of the automatic processor. ये basically तीन तरह के roller के बने होते हैं. First is transport roller, master roller and planetary roller. आप डायग्राम में देख सकते हैं ये टैंक है और ये ट्रांसपोर्ट रैक है. इसके फ्रंट और बैक में जो रोलर होते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट रोलर बोलते हैं. इसका डायमीटर 1 इंच होता है. ये बेसिकली फिल्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड एट द बॉटम वी हैव मास्टर रोलर. इसका डायमीटर 3 इंच होता है और इसके जो सराउंडिंग में जो रोलर होते हैं उसको हम प्लानेटरी रोलर बोलते हैं. एंट्रेंस रोलर फीडिंग ट्रे के पास में होते हैं एंड इट बेसिकली grab the film and draw it into the developer. Another important part of transport system is turn around assembly, and it is located at the bottom of the solution tank to redirect the film toward the top of the tank to the crossover assembly. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट रैक है और जो बॉटम पोर्शन है इसका उसको हम टर्न अराउंड असेंबली कहते हैं. अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें तो आप देखेंगे जो सेंटर में जो रोलर है इसको हम मास्टर रोलर बोलते हैं जिसका डायमीटर 3 इंच होता है. इसके आसपास जो रोलर है उसको हम प्लानिटरी रोलर बोलते हैं. इसके अलावा इसके अंदर गाइड शू होते हैं जो बेसिकली फिल्म को हेल्प करते हैं टर्न करने के लिए इन ए अपवर्ड डायरेक्शन. द अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ crossover assembly. It is located at the top of the solution tank, serve to direct the film from one processor solution to the next and also perform squeeze action on the film. It should be clean after processor has not been in use for a while. ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉसओवर असेंबली. ये टॉप पर होता है. ये बेसिकली फिल्म को मूव करता है फ्रॉम वन टैंक टू द अनदर टैंक. इसके अलावा ये स्क्वीजिंग एक्शन भी परफॉर्म करता है. अगर आप ऑटोमेटिक प्रोसेसर टैंक का इस्तेमाल कुछ समय से नहीं कर रहे हैं तो आपको क्रॉसओवर असेंबली को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये डेवलपर टैंक है और ये फिक्सर टैंक है. इसके बीच में क्रॉसओवर असेंबली है जो बेसिकली फिल्म को एक टैंक से दूसरे टैंक में मूव करती है. इससे पहले स्क्वीजिंग रोलर होते हैं जो स्क्वीजिंग एक्शन को परफॉर्म करते हैं जिससे एक्स्ट्रा केमिकल होता है जो वो रिमूव हो जाता है और केमिकल की मिक्सिंग होने से बच जाती है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ रोलर और इन रोलर को मूव करने के लिए हमें मोटर की ज़रूरत पड़ती है. सो वी नीड अ ड्राइव सिस्टम. अ ड्राइव सिस्टम इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस दैट इज़ डिज़ाइन टू टर्न द रोलर्स. ये सिंगल मोटर होता है और ड्राइव सिस्टम ही तय करता है कि फिल्म डेवलपर और फिक्सर में कितने समय तक रहेगी. द थर्ड इम्पॉर्टेंट सिस्टम इज़ रिप्लेनिशमेंट सिस्टम. ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेसिंग सोल्यूशन लेवल ड्रॉप विच विल अफेक्ट फिल्म डेंसिटी एज वेल एज कंट्रास्ट. सो रिप्लेनिशमेंट रिप्लेसेस लॉस्ट केमिकल. इट आल्सो मेंटेन प्रॉपर सोल्यूशन कंसनट्रेशन. माइक्रो स्विच ऑफ एंट्रेंस रूलर एक्टिवेट रिप्लेनिशमेंट पंप. देखिए जब हम लार्ज नंबर ऑफ़ फिल्म को प्रोसेस करते हैं तो उसकी वजह से सोल्यूशन यूज़अप हो जाता है, उसका लेवल ड्रॉप हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन और उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है जिसकी वजह से फ़िल्म की डेंसिटी और कंट्रास्ट में फ़र्क पड़ता है. तो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम बेसिकली रिप्लेस करता है लॉस्ट केमिकल को जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन और उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है. जब हम फिल्म को ऑटोमेटिक प्रोसेसर में फीड करते हैं तो इंट्रेंस रोलर में लगे माइक्रो स्विच रिप्लेनिशमेंट पंप को एक्टिवेट करते हैं और जो रिप्लेनिशमेंट होता है जो उसका रेट होता है वो एक कांस्टेंट होता है फॉर नंबर ऑफ़ फिल्म प्रोसेस. अगर हम रिप्लेनिशमेंट रेट की बात करें तो ये होता है 4 to 5 ml ऑफ डेवलपर पर इंचेस ऑफ फिल्म एंड 6 to 8 ml ऑफ फिक्सर पर इंचेस ऑफ फिल्म. ऑटोमेटिक प्रोसेसर में रिप्लेनिशमेंट दो तरीके से होता है. पहला है वॉल्यूम रिप्लेनिशमेंट सिस्टम और दूसरा है फ्लड रिप्लेनिशमेंट सिस्टम. वॉल्यूम रिप्लेनिशमेंट सिस्टम के अंदर सोल्यूशन का रिप्लेनिशमेंट तब होता है जब हम फिल्म को ऑटोमेटिक प्रोसेसर में फीड करते हैं। सो इट बेसिकली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिल्म प्रोसेस्ड। फ्लड रिप्लेनिशमेंट सिस्टम के अंदर सोल्यूशन का रिप्लेनिशमेंट एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है और ये डिपेंड नहीं करता आपने कितनी नंबर ऑफ फिल्म को ऑटोमेटिक प्रोसेसर में फीड किया है। सर्कुलेशन सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिसर्कुलेशन एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम। दिस सिस्टम प्रोवाइड एजिटेशन टू सोल्यूशन एंड स्टेबलाइजेस सोल्यूशन टेम्परेचर एंड फिल्टर द सोल्यूशन। It keeps the fresh solution in contact with the film emulsion and also filter debris such as gelatin particle from the solution. In addition, this system also circulate fresh water every minute in the washing tank. Solution agitation is necessary for uniform solution concentration. सर्कुलेशन सिस्टम को हम रीसर्कुलेशन एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली सोल्यूशन को एजिटेट करता है जिसकी वजह से सोल्यूशन का टेम्परेचर स्टेबलाइज होता है और साथ साथ ये सोल्यूशन को फिल्टर भी करता है। देखिए, सोल्यूशन को एजिटेट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे सोल्यूशन की जो कंसनट्रेशन होती है थ्रू आउट द सोल्यूशन बनी रहती है और फ्रेश सोल्यूशन हमेशा फ़िल्म इमल्शन के कांटेक्ट में रहता है जिसकी वजह से हमें फ़िल्म पर यूनिफॉर्म डेंसिटी और कंट्रास्ट देखने को मिलता है। सर्कुलेशन सिस्टम फिल्ट्रेशन का काम भी करता है, ये जेलेटिन पार्टिकल को फ़िल्टर करता है। इसके अलावा हर मिनट ये फ्रेश वाटर को सर्कुलेट करता है इन ए वॉशिंग टैंक। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेसर का डेवलपर हो, फिक्सर हो, वॉशर हो या ड्रायर हो, इन सभी के टेम्परेचर को बहुत ही प्रिसाइसली कंट्रोल किया जाता है एंड द टेम्परेचर इज़ थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल। डेवलपर और फिक्सर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है विच इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। वॉश का टेम्परेचर 32 और 35 के बीच में रखा जाता है और ड्रायर का जो टेम्परेचर होता है वो 57 डिग्री सेल्सियस होता है। Dryer system basically removes water from the film by blowing warm dry air over its surface. Squeezing roller remove excessive water from the film and heated air is blown through a series of tube that surround both sides of the film. Electrical system basically electric power supply करते हैं automatic processor को ताकि वो function कर सके। प्रोसेसिंग रेट की बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय फिल्म टू गो थ्रू द प्रोसेसर और इसकी जो रेंज होती है वो 45 से 210 सेकंड्स होती है। अगर हम ऑटोमेटिक प्रोसेसर की टाइप की बात करें तो हम इनको 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड देयर लोकेशन। अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें देन वी हैव 7 मिनट, 3 मिनट, 90 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 45 सेकेंड प्रोसेसर। 45 सेकेंड प्रोसेसर फिल्म को जल्दी प्रोसेस करेगा एज़ कम्पेयर टू 7 मिनट प्रोसेसर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्नैपड्रैगन ट्रिपल AT प्रोसेसर डाटा को जल्दी प्रोसेस करेगा एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर। वी आल्सो हैव मल्टी स्पीड प्रोसेसर जहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। इट अप टू यू टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द स्पीड ऑफ ए ऑटोमेटिक प्रोसेसर। अगर हम साइज़ की बात करें देन वी हैव फ्लोर साइज़ ऑटोमेटिक प्रोसेसर। ये बेसिकली लार्ज ऑटोमेटिक प्रोसेसर होते हैं और इनका इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वर्क ज़्यादा होता है। देन वी हैव इंटरमीडिएट साइज़ ऑटोमेटिक प्रोसेसर, ये मीडियम साइज़ के होते हैं और इनका इस्तेमाल बेसिकली स्मॉल क्लिनिक और नर्सिंग होम में किया जाता है। देन वी हैव टेबल टॉप साइज़ ऑटोमेटिक प्रोसेसर, ये बहुत ही छोटे प्रोसेसर होते हैं और ये छोटे डार्क रूम में इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत कम होता है। अगर लोकेशन की बात करें देन वी हैव टोटली इनसाइड डार्क रूम ऑटोमेटिक प्रोसेसर जो कम्प्लीटली डार्क रूम के अंदर होते हैं एंड वी आल्सो हैव टोटल आउटसाइड डार्क रूम ऑटोमेटिक प्रोसेसर जो कम्प्लीटली डार्क रूम के बाहर होते हैं। इनको हम डे लाइट ऑटोमेटिक प्रोसेसर सिस्टम भी बोलते हैं। इनके इस्तेमाल के लिए डार्क रूम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है लेकिन इसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब हम स्पेशल कैसेट को यूज़ करें। देखिए, अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो मैं आपको पहले एडवांटेज बताना चाहूँगा क्योंकि पहले अच्छा ही बतानी चाहिए। ऑटोमेटिक प्रोसेसर का जो साइज़ होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए वो डार्क रूम के अंदर बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ऑटोमेटिक प्रोसेसर का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल प्रोसेसर। क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेसर का प्रोसेसिंग टाइम कम होता है, इसीलिए जो आपके डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब आप लार्ज नंबर ऑफ़ फिल्म को प्रोसेस कर सकते हैं इन ए शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम। ऑटोमेटिक प्रोसेसर टाइम टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, जिसकी वजह से हमें फ़िल्म पर यूनिफॉर्म डेंसिटी और कंट्रास्ट देखने को मिलता है। या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आपको जो फ़िल्म मिलेगी उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होगी। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं एंड दे टेंड टू प्रोड्यूस केमिकल फॉग ऑन द फिल्म ड्यू टू हाई डेवलपर टेम्परेचर। ये डेवलपर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फिल्म पर केमिकल फॉग होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये मोटर ड्रिवन होते हैं, इसीलिए दे आर सब्जेक्टेड टू ब्रेकडाउन एंड दे नीड रेगुलर मेंटेनेंस। कुछ पार्ट आपको करना पड़ता है और कुछ पार्ट इंजीनियर करता है ऑन देयर टाइमली बेसिस में। रोलर की वजह से इसमें काफ़ी आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं। 6 पार्ट मैंने छोड़ दिया है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ऑटोमेटिक प्रोसेसर मेंटेनेंस एक ऐसा काम है जिसको हर कोई टालने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं आपको फ़िल्म में डेंसिटी और कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा मिले तो आपको ऑटोमेटिक प्रोसेसर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वो भी डेली एंड मंथली बेसिस पर। डेली बेसिस की बात करें तो आपको क्रॉसओवर रैक को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि रोलर सही से मूव कर रहे हैं कि नहीं। आपको ये भी चेक करना है कि जो सोल्यूशन फिक्सर और डेवलपर का जो लेवल है वो सही है कि नहीं है। एक काम आपको ज़रूर करना है कि जो वॉशिंग टैंक का जो ट्रांसपोर्ट रैक है उसको डेली साफ़ करना है और साथ साथ यू हैव टू आल्सो चेंज द वाटर ऑफ वॉशिंग टैंक। ऑटोमेटिक प्रोसेसर की डेली मेंटेनेंस के अलावा हमको कुछ काम मंथली बेसिस में भी करने होते हैं। लाइक हमें सभी टैंक्स को कम्प्लीटली ड्रेन करना होता है और साफ़ करना होता है। इसके अलावा डेवलपर, फिक्सर और वॉशिंग टैंक के ट्रांसपोर्ट रैक को भी हमें क्लीन करना होता है विद ए सॉफ्ट क्लोथ। अगर आपको लगता है कि आपका डेवलपर का सोल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन है तो आप स्टार्टर सोल्यूशन ऐड करके काम चला सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सोल्यूशन को चेंज ही कर लीजिए, चाहे वो डेवलपर हो चाहे वो फिक्सर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।